और क्वेश्चन देखिए बाइनोमियल थ्योरम का, ये आर एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर ग्रेटर देन वन एन ग्रेटर देन टू एंड द कोफिशियंट ऑफ आर प्लस टू एंड थ्री आर हो गया, थ्री आर टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर टू एन आर इक्वल देन एन बताना है। मतलब जो टी आर प्लस टू है उसका कोफिशियंट थ्री आर टर्म के इक्वल है तो आपको एन बताना। काफी सिंपल है, आपको सीधा सीधा आर प्लस वन का फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, और अगर वन प्लस एक्स की पावर है तो सीधा सीधा एन सी आर एक्स की पावर आर होता है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसको आप ऐसा लिखोगे आर प्लस वन प्लस वन, और इसको लिखोगे थ्री आर माइनस वन प्लस वन, यानी ऐसा टू एन सी आर प्लस वन इक्वल टू टू एन सी थ्री आर माइनस वन, दोनों इक्वल बोले हैं तो टू एन इक्वल टू आर प्लस वन प्लस थ्री आर माइनस वन, ये कैंसिल बेटा, तो एन इक्वल टू टू आर। तो आपसे पूछा एन क्या होगा, तो आप बोलेंगे आंसर टू आर। ओके।